हेलो एवरीवन, इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनएकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आपदा प्रबंधन के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में आपदाओं का प्रबंधन कैसे किया जाता है, अर्थात आपदा प्रबंधन चक्र। एक्चुअली हमारे भारत में 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था। 2005 में किया गया। इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इस अधिनियम ने आपदाओं के प्रबंधन के लिए या आपदाओं के प्रबंधन के संदर्भ में हमारा जो दृष्टिकोण था उसमें एक आमूल चूल परिवर्तन। कैसे? 2005 से पहले जो हमारा दृष्टिकोण था वो राहत केंद्रित दृष्टिकोण था। पहले जो हमारा अप्रोच था वो राहत केंद्रित या रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच था। राहत केंद्रित दृष्टिकोण, और बाद में हमारे दृष्टिकोण में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और हम लोग आपदाओं के प्रबंधन को एक चक्रीय दृष्टिकोण देखना शुरू किए। आपदाओं के प्रबंधन के लिए हम एक क्रिय रणनीति अपना। जो राहत केंद्रित अप्रोच था, जो पहले 2005 से पहले इस दृष्टिकोण से हम आपदाओं का प्रबंधन करने की कोशिश करते थे, इसमें हम किसी भी आपदा के होने के बाद त्वरित कार्रवाई, राहत बचाव कार्य आदि करने की कोशिश करते। लेकिन आपदाओं को एक समग्र दृष्टिकोण से देखने का सबसे पहला प्रयास आपदा प्रबंधन अधिनियम के पारित होने के बाद से माना जाता है, और बाद में मतलब 2005 के बाद हम एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आपदाओं के प्रबंधन का प्रयास करते हैं। मतलब हमारा जो दृष्टिकोण है एक अग्र सक्रिय तथा निवारक, मतलब आपदाओं का जहां तक संभव हो सके निवारण कर सके, शमनकारी मतलब उसके प्रभाव को कम किया जा सके, शमनकारी और पूर्व तैयारी आधारित दृष्टिकोण को हमने अपनाया, और इस तरह से एक चक्रीय दृष्टिकोण के साथ, चक्रीय रणनीति के साथ अब हम आपदाओं का प्रबंधन करें। कि आपदा प्रबंधन जो है भारत में एक चक्रीय दृष्टिकोण के साथ किया जाए, और इसीलिए इस सेशन का टाइटल भी आपदा प्रबंधन चक्र रखा, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। चलिए इस साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं डिटेल। आपदा प्रबंधन, जो सामने एक इमेज हमें एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसी डायग्राम पर हम पूरे आपदा प्रबंधन चक्र को समझने की कोशिश, फिर इसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे भारत में आपदाओं के प्रबंधन के दो, पहला जो पक्ष ये आपदा पूर्व स्थिति, आपदा आने से पहले आपदा पूर्व स्थिति में हम क्षमता निर्माण की कोशिश करते हैं, क्षमता विकास या क्षमता निर्माण का प्रयास करते हैं। मतलब हमारा ये प्रयास होता है कि हम अधिक से अधिक अपनी क्षमता का विकास कर सकें, किसी भी आपदा से निपटने के लिए
हम समर्थ हो सके। इसके बाद अगर कोई आपदा आती है तो आपदा के आने के बाद आपदा पश्चात रणनीति हमारी होती है। आपदा पश्चात रणनीति। अब आपदा पश्चात जो रणनीति है में हम कोशिश ये करते हैं, एक तो त्वरित कार्रवाई कर सके, त्वरित कार्रवाई, इसके बाद हम तुरंत रिकवरी कर सके आपदाओं से, रिकवरी और फिर से रिकंस्ट्रक्शन या पुनर्निर्माण का कार्य। इस तरह से आपदा प्रबंधन के लिए के संदर्भ में, आपदा प्रबंधन के संदर्भ में दो पक्ष हैं, आपदा पूर्व की स्थिति, दूसरा आपदा पश्चात। आपदा पूर्व की स्थिति में हमारा जो उद्देश्य होता है वो क्षमता का निर्माण होता है कि हम आपदाओं का सामना करने की अपनी क्षमता का विकास कर सकें, और आपदा पश्चात जो रणनीति है इसमें हमारी रणनीति होती है त्वरित कार्रवाई, और इस तरह से हम एक चक्रीय दृष्टिकोण के साथ आपदा का प्रबंधन करने की कोशिश करते हैं। इस क्रम में जो सबसे पहला पक्ष आता है, जो सबसे पहला चरण आता है, उसको हम मिटिगेशन या शमन कहते हैं। जो सबसे पहला चरण है इसको हम शमन कहते हैं या मिटिगेशन कहते हैं। इसका अर्थ है किसी भी आपदा के प्रभाव को न्यूनतम करना, आपदा की क्षति को कम से कम। इसके लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं वो सब शमनकारी प्रयास माने जाते हैं या मिटिगेशन एफर्ट माने। इसके बाद अगर किसी आपदा की सूचना हो या उसकी संभावना बन रही हो या आने वाली हो, आपदा आने की कोई परिस्थिति का निर्माण हो रहा हो, तो इससे पहले हम अपनी कुछ तैयारियां करते हैं। अगर आपदा आती है तो हम उसका सामना कैसे करेंगे, इसके लिए हम कुछ पूर्व तैयारियां करें। यहां पर जो आपदा प्रबंधन में जो हमारा दूसरा चरण है इसको हम कहते हैं पूर्व। आपदा से पहले, आपदा का सामना करने के लिए हम अपनी कुछ तैयारियां, वो पूर्व तैयारियां आगे हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद अगर कोई आपदा आती है तो आपदा आने के तुरंत रिस्पांस देना, क्विक रिस्पांस, या इसको हम अनुक्रिया कहते हैं या त्वरित कार्रवाई भी कह सकते हैं, त्वरित कार्रवाई। अब यहां पर हमारा उद्देश्य रहता है कि आपदा के बाद त्वरित कार्रवाई किया जाए और आपदा प्रभावित लोगों को बचाने की कोशिश की जाए, राहत व बचाव कार्य, जान माल की जहां तक संभव हो वहां तक उसको सुरक्षित करने की कोशिश की जाए। इसके बाद त्वरित कार्रवाई के बाद अब जो अगला चरण होता है वो होता है रिकवरी का चरण, जिसमें हम आपदा की रिकवरी करने की कोशिश करते हैं, पुनर्बहाली या रिकवरी, जिसमें आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनको फिर से, उनकी जीवन को फिर से मुख्य धारा से जोड़ना, उनके जीवन को पटरी पर लाना, फिर से ये प्रयास करना कि उनका जीवन सामान्य हो सके, ये सारी क्रियाएं रिकवरी के अंतर्गत आती है। इसी में हम उनकी लाइफ को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं और जो भी डैमेज जो कंस्ट्रक्शन हैं उनको हम रिकंस्ट्रक्शन या पुनर्निर्माण करने की। तो इस तरह से हम लोग आपदा प्रबंधन एक चक्रीय दृष्टिकोण के साथ। तो यहां पर अभी मैंने सिर्फ आपको एक परिचय दिया था जिसमें हम आपदा प्रबंधन को किस तरह से चक्रीय दृष्टिकोण के साथ करते हैं। यहां पर एक चीज और मैं जोड़ दूं कि जब भी हम पुनर्निर्माण के चरण पर आते हैं, रिकवरी और पुनर्निर्माण के चरण, तो यहां पर आकर के हमारा प्रयास ये रहता है कि पुनर्निर्माण इस तरह से किया जाए कि उससे शमनकारी जो गतिविधियां हैं या शमनकारी जो प्रभाव है वृद्धि हो सके। मतलब जो कुछ भी
संरचनाओं का जो डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उनको जब हम रिकंस्ट्रक्ट करें, उनका पुनर्निर्माण करें, तो हम इस तरह से करें कि आपदाओं का शमन हो सके, उसके प्रभाव को कम किया जा सके, या आपदाओं का सामना करने के योग्य संरचनाओं का विकास किया जा सके। और इस तरह से हमारा एक चक्रीय दृष्टिकोण यहाँ पर आपदाओं के संदर्भ में रहता है। इन सारी बातों को मैंने एक डायग्राम के माध्यम से समझाया। ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप अपने एग्जाम में भी इसको जरूर पढ़ें। अब इसके बाद आप यहाँ पर देख भी सकते हैं थोड़ा सा कि जैसे जो पहली आपदा से पूर्व की स्थिति, इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब क्षमता निर्माण की बात की जा रही है, और इसके बाद आपदा के बाद इमरजेंसी रिस्टोरेशन और रिकंस्ट्रक्शन की। अब हम चार, ये जो चार चरण है क्रमिक रूप से चार चरण, इन चरणों में हम आपदाओं के प्रबंधन को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा पूर्व तैयारियां, तीसरा त्वरित कार्रवाई या अनुक्रिया, पुनर्बहाली, इन्हीं चार चरणों में हम आपदाओं का प्रबंधन करते हैं, तो इसको हम डिटेल में थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर लिखा गया है आपदा प्रबंधन चक्र आपदाओं के प्रबंधन की एक सतत प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। आपदा प्रबंधन चक्र आपदाओं के प्रबंधन की एक सतत प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। इसके अंतर्गत आपदाओं के प्रबंधन के दो पक्ष, पहला आपदा पूर्व प्रबंधन और आपदा पश्चात प्रबंधन। आपदा पूर्व प्रबंधन आपदा के शमन अर्थात जोखिम न्यूनीकरण का प्रयास है। आपदा पूर्व प्रबंधन हम जो कुछ भी करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण ये रहता है कि जोखिम को कम से कम किया जा सके। जैसे लास्ट क्लास में मैंने जोखिम आपको समझाया क्या है, तो जोखिम को कम से कम किया जा सके, ये हमारा प्रयास रहता है। और आपदा के पश्चात प्रबंधन, इसमें हमारा प्रयास रहता है कि आपातकालीन प्रबंधन किया जा सके, पुनर्बहाली किया जा सके, पुनर्निर्माण किया जा सके। इस तरह से हम दो पक्षों में आपदा के प्रबंधन को करते हैं, और इन दोनों पक्षों में चार मुख्य चरण होते हैं जिन चरणों के माध्यम से आपदाओं का प्रबंधन किया जाता है। जैसे यहां पर लिखा भी गया है कि उपरोक्त लिख दिया है, उपरोक्त दोनों पक्षों के अंतर्गत किसी भी आपदा का प्रबंधन चार क्रमिक चरणों में किया जाता है। उपरोक्त दोनों पक्षों के अंतर्गत कौन कौन से पक्ष, मतलब आपदा पूर्व प्रबंधन और आपदा पश्चात, इन दोनों स्थितियों में आपदाओं का प्रबंधन जो किया जाता है वो चार क्रमिक चरणों में किया जाता है, चार फोर स्टेजेस। पहला शमन, जिसको मिटिगेशन कहते हैं। जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि आपदा के प्रभाव को कम करने का प्रयास, देखो आपदाओं को समाप्त तो हम नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, आपदाएं आएंगी ही हैं, बस हम इतना ही कर सकते हैं कि उसके प्रभाव को कम कर सकते। तो शमनकारी प्रयासों में हमारा यही उद्देश्य होता है कि जोखिम को कम से कम किया जा सके। जैसे लिखा है यहां कि जोखिम न्यूनीकरण हेतु किए जाने वाले प्रयास को शमन कहते हैं। आपदाओं के नकारात्मक प्रभावों को कम करने हेतु किए जाने वाले सभी संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक उपाय इसके अंतर्गत आते हैं। उसका उद्देश्य क्या है, जोखिम न्यूनीकरण। जो जोखिम है मतलब जो भी हमारा लॉस होता है, जो नुकसान होता है, चाहे वो मात्रात्मक नुकसान होता है आपदा से, वो कम से कम किया जा सके, जोखिम न्यूनीकरण। तो जोखिम न्यूनीकरण का ही उद्देश्य है शमन। जोखिम न्यूनीकरण के उद्देश्य से ही शमनकारी प्रयास किए जाते हैं, और इस प्रयास के अंतर्गत सभी संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक उपाय इसके अंतर्गत देखते हैं आगे डिटेल में। जैसे शमन की संरचनात्मक, अब इसमें हम क्या करते हैं, तो जो कमजोर संरचनाएं हैं उनको मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता है, तो संरचनात्मक उपाय है। संरचनात्मक उपायों में कमजोर संरचनाओं को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे
जैसे भूकंप। अब अगर भूकंप प्रभावित क्षेत्र है तो वहां पर भूकंप रोधी मकान बनाना, भूकंप रोधी संरचनाओं का निर्माण, इसी तरह से अगर कोई चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है तो चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में पक्के मकान बनाना, ये सब शमनकारी प्रयासों के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह से अगर कोई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो वहां पर यह प्रयास करना कि बाढ़ कम से कम आए, इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे वन रोपण कर सकते हैं, क्योंकि तो अगर वन रोपण करेंगे तो मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है, और मृदा अपरदन अगर नियंत्रित होगा तो नदियों की तली में गाद नहीं जमेगी, नदियों की तली में सिल्ट, गाद और मलवा नहीं जमेगा, और नहीं ऐसा नहीं होगा तो जो जल प्रवाह होगा वो सुनिश्चित हो सकता है, जल निकास प्रणाली जो है उसको सुदृढ़ बनाना, जल निकास प्रणाली को सुदृढ़ करना, तो इस तरह से ये सारे उपाय शमन के संरचनात्मक उपायों के अंतर्गत, शमन के संरचनात्मक, शमन के गैर संरचनात्मक उपाय कौन से हैं? तो गैर संरचनात्मक उपायों में हम योजनागत व नीतिगत उपाय करते हैं, योजनाएं बनाना, नीतियां बनाना, जिससे कि आपदाओं के प्रभाव को और जोखिम को कम किया जा सके। तो इसके अंतर्गत योजनाओं और नीतियों का निर्माण शामिल, जैसे घरेलू और सामुदायिक स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएं लागू करें या वो योजनाएं बनाना, घरेलू स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना, इसी तरह से राष्ट्रीय, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाना, नीतियों का निर्माण करना। इसी के अंतर्गत जागरूकता अभियान भी शामिल हो सकता है, जागरूकता अभियान, इसी के अंतर्गत मॉक ड्रिल वगैरह ऐसी चीजें, छद्म अभ्यास, जैसा कि अक्सर हो सकता है आप लोगों ने स्कूलों में किया भी होगा, स्कूलों में मॉक ड्रिल भूकंप आदि के लिए कराया भी जाता है। तो इस तरह से ये सारे जो प्रयास है ये सब शमनकारी प्रयास है, संरचनात्मक उपायों के अंतर्गत संरचनाओं को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता है, और गैर संरचनात्मक उपायों के अंतर्गत ऐसी नीतियां योजनाएं बनाई जाती है जिससे कि आपदाओं का प्रभाव, उसका जोखिम कम से कम हो सके। इसी तरह से अब हम इसी क्रम में दूसरे चरण, ये अभी पहला चरण था, दूसरा जो चरण है वो है पूर्व तैयारियां, प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस, पूर्व तैयारियां,
आपदा जनित नकारात्मक प्रभावों के विरुद्ध त्वरित प्रतिक्रिया हेतु किए जाने वाले उपाय व तैयारियां इसके अंतर्गत आते हैं। आपदा जनित नकारात्मक प्रभावों के विरुद्ध त्वरित प्रतिक्रिया हेतु किए जाने वाले उपाय व तैयारियां इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे त्वरित व प्रभावी पूर्व सूचना के प्रेषण की व्यवस्था। त्वरित व प्रभावी पूर्ण सूचना पूर्व सूचना के प्रेषण की व्यवस्था, मतलब शीघ्रता से पूर्व सूचना और प्रभावी सूचना पहुंचाया जा सके जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है, मतलब जहां पर आपदा आने की संभावना बन रही हो। आपदा प्रबंधन योजना को लागू करना, अगर कोई आपदा एकदम निकट दिखाई दे रही हो, जैसे बाढ़ है, चक्रवात है, अगर निकट दिखाई दे रही है तो आपदा प्रबंधन योजना को लागू करना। संकटग्रस्त क्षेत्रों से लोगों व उनकी संपत्तियों को बाहर निकालना, मतलब जहां पर आपदा आने का संकट है वहां से लोगों को और उनकी संपत्तियों को बाहर निकालना। आवश्यक राहत सामग्रियों की व्यवस्था, मेडिकल फैसिलिटीज, खाने पीने की व्यवस्था, शेल्टर होम तैयार करना, इस तरह की जो पूर्व तैयारियां हैं हमारी, अगर कोई आपदा अचानक आती है तो उसके लिए भी हमारी कुछ पूर्व तैयारियां होंगी, और अगर कोई आपदा ऐसी है जो आने की संभावना बन रही है या आने वाली है और उसकी सूचना हमें मिल गई है, हम ये समझ चुके हैं कि आपदा आने वाली है, उसके लिए भी कुछ तैयारी। आपदा से पहले की जो स्थिति है ये पूर्व तैयारी, और मैंने आपको एक लाइन में बता दिया, आपदा जनित नकारात्मक प्रभावों के विरुद्ध त्वरित प्रतिक्रिया हेतु किए जाने वाले उपाय व तैयारियां इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसी तरह से हम तीसरे चरण पर, जो तीसरा चरण है ये है अनुक्रिया या त्वरित कार्रवाई या रिस्पॉन्स, इंग्लिश में कहते हैं रिस्पॉन्स। आपदा के तुरंत बाद त्वरित रूप से की जाने वाली प्रतिक्रिया के अंतर्गत आती है। इसमें राहत व बचाव कार्य तथा आवश्यक सामग्रियों की शीघ्रता से पूर्ति का प्रयास किया जाता है। इसमें राहत व बचाव कार्य तथा आवश्यक सामग्रियों की शीघ्रता से पूर्ति का प्रयास किया जाता है। जैसे क्या हो सकता है, आपदा प्रबंधन योजनाओं को क्रियान्वित करना, त्वरित राहत व बचाव कार्य, इसके लिए सर्च एंड रेस्क्यू टीम, सर्च एंड रेस्क्यू टीम का गठन कर, प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, मेडिकल सुविधाएं सुनिश्चित करना, मेडिकल कैंप लगाना, रसद, पेयजल व अन्य आवश्यक सुविधाओं की आपूर्ति करना, सामुदायिक रसोई की व्यवस्था, अस्थायी निवास की व्यवस्था, संचार सुविधाओं की तुरंत बहाली करना, आवश्यक निर्देश व सूचनाएं जारी करना, बीमारियों को फैलने से रोकने के प्रयास, ये सारी चीजें त्वरित कार्रवाई के अंतर्गत आती है। क्योंकि कई बार बहुत सारी आपदाएं ऐसी होती हैं जिनके बाद बीमारियों के फैलने का डर, जैसे बाढ़ की या भूकंप आदि, इस तरह की जो आपदा है जिसमें बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हो, तरह की आपदाओं के बाद बीमारियों के फैलने का भी भय रहता है। तो इस तरह से बीमारियों को फैलने से रोकने का प्रयास, ये सब त्वरित कार्रवाई के अंतर्गत है। इसके बाद अब हम अगले चरण, आपदा प्रबंधन का जो अंतिम चरण है, जो अगला चरण है वो है पुनर्बहाली या रिकवरी। आपदा के आने के बाद आपदा प्रभावित लोगों को फिर से मुख्य धारा से जोड़ना, उन्हें आपदा के प्रति रेजिलियंट बनाना, रेजिलियंट मतलब लचीलापन, कि आपदाओं का सामना कर सके, उनकी क्षमता का विकास करना, जो कुछ भी नुकसान हुआ है
उसकी रिकवरी करना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। यहां लिखा है कि पुनर्वास व पुनर्निर्माण, पुनर्वास व पुनर्निर्माण के कार्य पुनर्बहाली के अंतर्गत आते हैं, मतलब रिकवरी में पुनर्वास, फिर से उनको रिसेटल करना और फिर से रिकंस्ट्रक्ट, जो डैमेज स्ट्रक्चर है उनको रिकंस्ट्रक्ट, ये सारी चीजें पुनर्बहाली या रिकवरी के अंतर्गत आती है। इसमें वे सभी निर्णय व क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो प्रभावित समुदाय के जीवन को फिर से पटरी पर लाने, उनके जीवन स्तर को सुधारने, आपदाओं के प्रति उन्हें लचीला बनाने, आपदाओं के विरुद्ध उनकी क्षमता को बढ़ाने के प्रयास हेतु की जाती है। मतलब वो सारे के सारे प्रयास जो उनके जीवन को फिर से पटरी पर ला सके, रीस्टोर कर सके, उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सके और आपदाओं का सामना करने के लिए उनको रेजिलियंट बनाया जा सके। रेजिलियंट शब्द एक बहुत अप्रोप्रिएट वर्ड है, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि आपदा सह्य या लचीला, सहने की क्षमता या आपदा सहने की योग्य बनाना, उनको लचीला बनाना। कोई चीज अगर फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है तो टूटती है। अगर आपदा प्रभावित क्षेत्र में अगर लोग रहते हैं तो आपदाओं से आसानी से निपटने पाए, आसानी से आपदाओं से प्रभावित, आपदाओं का प्रभाव तो आएगा लेकिन जो आपदाओं का जो नकारात्मक प्रभाव है उससे आसानी से प्रभावित, ऐसी क्षमता का विकास, आपदाओं के विरुद्ध उनकी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास, ये सारा कुछ पुनर्बहाली या रिकवरी के अंतर्गत आता है। जैसे पुनर्वास में क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं, तो शारीरिक, आर्थिक व भावनात्मक क्षति से उबारने, भावनात्मक क्षति, क्योंकि जो आपदाएं आती है उससे शारीरिक आर्थिक की क्षति तो होती ही है, जान माल का नुकसान तो होता ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस होता है इमोशनल, क्योंकि लोग इस ट्रॉमा से गुजरते हैं, कई बार लोग अपने नजदीकी लोगों को उस आपदा में खो देते हैं, लोग उनका शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इस तरह का जो एक मेंटल ट्रॉमा है जिससे लोग गुजरते हैं उससे भी बाहर निकालने की, तो पुनर्वास के कार्य में इस चीज को भी सम्मिलित किया जाता है। इसी तरह से उनको फिर से रोजगार उपलब्ध कराना, जीविकोपार्जन की व्यवस्था कराना, मुआवजा प्रदान करना, भूमि रहने के लिए और या खेती आदि के लिए जमीन देना, सरकारी आर्थिक सहायता उनको प्रदान करना, पुनः मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास, फिर से उनकी लाइफ रीस्टोर हो सके, लाइफ जो है पटरी पर आ सके, ये सारे प्रयास पुनर्वास के अंतर्गत। इसी तरह से जो पुनर्निर्माण कार्य है, पुनर्निर्माण में विकास योजनाओं व शमन कार्यक्रमों का एकीकरण, जो विकास योजनाएं हैं और जो शमन कार्यक्रम है उनका एकीकरण, उनको यूनिफाइड करना, कि जो भी हम विकास के लिए योजनाएं बना रहे हैं उसको हम इस तरह से बनाएं कि आपदाओं के प्रभाव और जोखिम को कम से कम किया जाए। विकास के लिए योजनाएं तो बनाना ही पड़ेगा, संरचनाओं का निर्माण करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर कोई आपदा आती है तो उससे वो संरचनाएं प्रभावित भी होती हैं, लोग भी प्रभावित होते हैं, तो इस तरह से योजनाओं को बनाया जाए कि लोग भी कम से कम प्रभावित हो, संरचनाएं भी कम प्रभावित हो। तो शमन की जो हमारे कार्यक्रम होते हैं, जो पहला चरण होता है वो इस चरण में शामिल करना, जो अंतिम चरण है रिकवरी लास्ट फेज होता है, अंतिम चरण है आपदा प्रबंधन का, इसमें शमनकारी प्रयासों को जोड़ विकास योजनाओं के साथ, इसीलिए तो इसको चक्रीय दृष्टिकोण कहा गया है। देखो जो लास्ट फेज है इसी से हमारा फर्स्ट फेज भी निकल गया, यहीं से शमन के कार्यक्रम की भी शुरुआत हो, इसीलिए एक चक्रीय दृष्टिकोण है। तो विकास योजनाओं और शमन कार्यक्रमों का एकीकरण, जो भी हम योजनाएं बनाएंगे, जो भी संरचनाएं बनाएंगे, योजनाओं का जब हम क्रियान्वयन करेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपदाओं का और उसके प्रभाव का, उसके जोखिम का
न्यूनीकरण किया जा सके। आपदाओं के प्रति मजबूत व रेजिलियंट संरचनाओं का भी, ऐसी संरचनाओं का विकास करें तो आपदाओं के प्रति मजबूत भी हो या लचीली है, आसानी से उनका उनको क्षति न पहुंचे। आपदा रोधी आवासों, सड़कों व संचार साधनों का विकास, ऐसे संचार साधन, ऐसे आवास, ऐसी सड़क जो आपदा रोधी हो, वैकल्पिक जो संचार साधन उनकी व्यवस्था करें। एक पक्ष ये भी है कि जो हमारे त्वरित कार्रवाई का जो पक्ष है, इसमें भी एक वैकल्पिक संचार साधन का जल्दी से जल्दी निर्माण करना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामान्यतः आपदाओं के समय जो परंपरागत जो संचार साधन है वो ध्वस्त हो जाते हैं। तो जल्दी से कोई वैकल्पिक, कोई सब्स्टिट्यूट तैयार करना उसका, ये पक्ष इसमें। इस तरह से हमने आपको ये बताने की कोशिश करी कि आपदाओं का प्रबंधन कैसे किया जाता है, आपदा प्रबंधन चित्र क्या है, ये हमने समझाने की कोशिश की है। अब आगे हम बात करेंगे कि भारत में आपदा का प्रबंधन कैसे किया जाता है और आपदा प्रबंधन जो चक्र है, इसी चक्र के आधार पर हम आने वाले क्लासेस में अलग अलग आपदाओं का प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू सो मच।